चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां नामी गैंगस्टर का तिहाड़ जेल में मर्डर, 8 हत्याओं समेत कई केसों में जेल में बंद था अंकित गुजर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुज्जर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की जेल के बैरक नंबर 3 में हत्या हुई है। पुलिस का कहना है कि कैदियों के झगड़े में अंकित की मौत हुई जबकि परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। गैंगस्टर के परिजनों का आरोप है कि जेल अधिकारी मीणा ने कल अंकित के पास मोबाइल फोन पकड़ा था जिसके बाद मीणा और अंकित की हाथापाई हो गई थी। हाथापाई के बाद पुलिस उसे ले गई और उसे बहुत पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था, झगड़े के बाद अंकित की मौत हो गई। अंकित को मई 2020 में स्पेशल सेल ने पकड़ा था। बताया गया है कि कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुज्जर बागपत के खेला गांव का रहने वाला था। पूर्व प्रधान विनोद की हत्या के मामले में 1,00,000 के नामी रहे अंकित को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अंकित गुज्जर 2019 में अपने गाँव चांदीनगर से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसने अपने प्रतिद्वंदी विनोद की हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे गांव में पोस्टर लगा दिए गए थे कि अगर कोई उसे खिलाफ चुनाव लड़ा तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। चुनाव आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। गैंगस्टर अंकित गुज्जर पर उत्तर प्रदेश के कई जेलों में केस दर्ज है। साल 2019 में नोएडा सेक्टर 63 में एक कंपनी मैनेजर को अगवा करने का आरोप अंकित गुज्जर पर लगा था। अंकित पर हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला, अपहरण के करीब 25 से ज्यादा मामले दिल्ली, यूपी, हरियाणा में दर्ज थे। बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद।